सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गुनगुन किचन को और बेल आइकन को दबाएं न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम समय में बन जाती है और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आधा कप मटर, ये मैंने फ्रोजन मटर लिया है। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, एक छोटा टमाटर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। दो हरी मिर्च लंबी कटी हुई, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, एक से दो टेबलस्पून बटर, तीन चौथाई चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हम सबसे पहले गैस की फ्लेम चलाकर एक पैन गरम कर लेंगे और पैन के गरम हो जाने पर हम इसमें बटर डालेंगे और बटर को हम हल्का मेल्ट होने देंगे। बटर को हमें ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, हल्का ही मेल्ट करना है। और बटर के जगह पर आप तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बटर के हल्का मेल्ट हो जाने पर हम इसमें जीरा डालेंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई के बीच में रखना है और जीरे को हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जीरा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज के साथ ही हम हरी मिर्च भी डाल देंगे और दोनों को हम अच्छी तरह से बटर में मिक्स कर लेंगे। और प्याज को मिक्स करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी प्याज के साथ ही पक जाएगा। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर भी हम साथ में ही डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसालों को हम कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। और याद रखें, हमें गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम के बीच में ही रखना है। ये मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और साथ में ही हम मटर भी डाल देंगे और इन तीनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से नरम हो जाने तक पका लेंगे या फिर टमाटर अच्छी तरह से गल जाए तब तक पका लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रोज़न मटर लिया है तो फ्रोज़न मटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने मटर को भी टमाटर और शिमला मिर्च के साथ ही डाल दिया है। इसे हम ढक करके पकाएंगे ताकि सब्जियाँ जल्दी नरम हो जाएं और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे, चलाते भी रहेंगे ताकि सब्जियाँ जले नहीं। सब्जियाँ हमारी पूरी तरह से पकी नहीं है तो इसे हम दोबारा से कवर कर लेंगे। तो अब हम दोबारा से सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सब्जी नरम हो चुकी है, मटर भी हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। ये मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया था, आप चाहे तो इसे हाथ से भी बारीक तोड़ सकते हैं। अब हम पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और नमक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक को मिक्स करने के बाद हम पनीर को और 2 मिनट के लिए ढक करके पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और पनीर भुर्जी हमारी बन करके तैयार है। और लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ता डाल लेते हैं और धनिया पत्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धनिया पत्ता मिक्स करने के बाद ही हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब ये पनीर भुर्जी को हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही डिलीशियस बनी है तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है। अगर आपको ये पनीर भुर्जी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।